हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं, आज इस लेसन को खत्म करेंगे। 13.5 परमुटेशन क्रम छे, सॉल्यूशन नंबर 27। क्वेश्चन पढ़ के आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है, भारत सबके अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। भारत एगो वर्ड दिया है, शब्द दिया है, उसके अक्षरों के प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, पहला क्वेश्चन। उसमें एक और क्वेश्चन है, इनमें कितने शब्दों में एक साथ बी और एच नहीं हो। अगर बी और एच एक साथ नहीं हो तो उनसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर दो। अब क्वेश्चन नंबर तीन देखिए, इनमें कितने शब्द ऐसे हैं, इनमें कितने शब्द वैसे बन सकते हैं जो बी से शुरू होता है तथा टी से अंत होता है। ठीक है, तीन तरह के क्वेश्चन आपको बताने हैं। चलिए तो मैं यहां लिख देता हूं भारत। ठीक है, भारत एक वर्ड है तो पहले लिखेंगे भारत हैज, दो दो चार दो छह, सिक्स लेटर्स। भारत हैज सिक्स लेटर्स, इन विच आपको दिखाने वाला हूं कि बी कितने बार आया है। तो एक बार बी देखिए एक बार आया है, और इसमें एच कितने बार आया है, एक बार आया है, और यहां पर एक कितने बार आया है, दो बार आया है, और यहां से आर कितने बार आया है दिखाता हूं आपको, एक बार आया है। ठीक है, ए दो बार आया है, टी कितने बार आया भाई, एक बार आया है, एक बार। ये हो गया नंबर ऑफ लेटर्स, लिखेंगे नंबर ऑफ लेटर्स। तो नंबर ऑफ लेटर्स तो हम ये बात को पहले ही दिखा चुके हैं, दो दो चार पांच छ छ। क्या देखे स्टूडेंट की भारत है सिक्स लेटर्स, इन विच बी एक बार, एच दो एक बार, ए दो बार, आर एक बार, टी एक बार। इसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स छह है। अब यहां से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तीन तरह के क्वेश्चन को पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है इसका, बोल रहा है कि भारत के शब्द के अक्षरों का प्रयोग कर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड, यहां से लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ वर्ड when using a letters of भारत। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं भारत, चलिए छोटा में लिख लेता हूं भारत भारत। ठीक है, कह रहा है कि वैसे शब्दों की संख्या जिसमें भारत के सभी लेटरों का इस्तेमाल किया गया है, तो इसकी आंसर मैं यहां दे देता हूं। देखिए टोटल है सिक्स, और उसमें कौन कितने बार आया है, बी एक बार तो नहीं लिखते हैं, एच एक बार तो नहीं लिखते हैं, ए दो बार तो दो का फैक्टोरियल से भाग कर देते हैं, आर एक बार, टी एक बार, इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब इसको हम क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं, छ पांच चार तीन दो पर ले जाके तोड़ लेते हैं, दो का फैक्टोरियल कट गया, आंसर होगा छह पांच तीस, चार तिया बारह, बारह तिया छत्तीस, 360 शब्द बन सकता है भारत शब्द के लेटरों से। अगर सबको इस्तेमाल किया जाए तो उससे बनने वाले शब्दों की संख्या 360 होगी। तो एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं थोड़ा सा मोबाइल के पीछे जाके देखता हूं कि वीडियो साफ और सब कुछ आ रहा है ना। बिल्कुल सब कुछ आ रहा है, आपको समझ में भी आ गया होगा कि 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत शब्द में जितने भी लेटर आए हुए हैं अगर सबका इस्तेमाल किया जाए तो उसे कितने शब्द बन सकता है, तो 360 शब्द बन सकता है। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन और है। अब देखिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए दिखाते हैं। इसका दो नंबर क्वेश्चन क्या है, तनिक गौर करिएगा, देखिएगा इसका दो नंबर क्वेश्चन क्या है। यहां मैं लिखता हूं रोमन का दो, यहां रोमन का दो लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर दो बोल रहा है, देखिए ये किताब हुआ किसी सीना, नंबर दो बोल रहा है कि इनमें कितने शब्दों में एक साथ बी और एच नहीं आते हैं, इनमें कितने शब्दों में बी और एच एक साथ नहीं आते हैं, बी और एच एक साथ नहीं आते, कितने शब्दों में बी और एच एक साथ नहीं है।
ये रहा, इनमें कितने शब्दों में एक साथ, कितने शब्दों में बी और एच एक साथ नहीं है। चलो बताना है कि जो बी और एच एक साथ नहीं है तो इनसे कितने शब्द बन सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, इस चीज को अंडरलाइन कर देता हूं कि इनमें कितने शब्दों में ना बी और एच एक साथ नहीं है तो इससे कितने शब्द बन सकते हैं। बी और एच एक साथ नहीं हो तो इससे कितने शब्द बन सकते हैं। तो देखिए मैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाता हूं। देखिए माना कि बी और एच, माना कि बी और एच एक ही लेटर है। तो सुनिए, अगर बी और एच एक ही लेटर है, बी और एच को एक ही लेटर माना गया तो चार वो एगो क्या पांच वो होगा। तो अगर माना कि बी और एच एक ही लेटर हैं तो यहां से लिखेंगे तो नंबर ऑफ लेटर्स क्या होगा, नंबर ऑफ लेटर्स हो जाएगा हमारे पास, ये एक है या चार पहले से है, यानी होगा पांच का फैक्टोरियल। ठीक है, लिखेंगे इनसे बनने वाले शब्दों की संख्या, इनसे कितने शब्द बन जाएंगे वो चीज देखिएगा। इनसे बनेगा शब्द कितना, तो पांच का फैक्टोरियल बटा कौन कितने बार आया है, ए इसमें दो बार आया है तो दो के फैक्टोरियल से, और इनका जवाब भी क्या होगा दो ही होगा। ठीक है, इसलिए दो के फैक्टोरियल से गुणा कर देंगे, ये कट जाएगा, पांच का फैक्टोरियल होगा जिसका आंसर होगा 120। सबको पता है कि पांच का फैक्टोरियल 120। तो स्टूडेंट ये आपका 120 जो है वो आंसर है जो बी और एच एक साथ आते हैं। माना कि बी और एच एक ही लेटर है, देखिए लिखा है माना कि बी और एच एक ही, यहां एक ही रहेगा ना, माना कि बी और एच एक ही लेटर है तो नंबर ऑफ लेटर पांच हो गया, तो इससे बनने वाले शब्दों की संख्या। तो ये जो आंसर आया है ये बी और एच एक साथ रहे तो उनके शब्दों की संख्या का आंसर है। बी और एच एक साथ रहे तो उनके शब्दों का, ये उनसे बनने वाले शब्दों की संख्या है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि नहीं बी और एच एक साथ नहीं आए, बी और एच एक साथ नहीं आए तो उनसे बनने वाले शब्दों की संख्या। स्टूडेंट ठीक से समझिए, इनमें कितने शब्द में बी और एच एक साथ नहीं आते, जब बी और एच एक साथ नहीं आए तो उनसे कितने शब्द बनेंगे। माना कि बी और एच एक ही लेटर है तो नंबर ऑफ लेटर पांच हो जाएगा, इनसे बनने वाले शब्दों की संख्या होगा पांच का फैक्टोरियल बटा दो का फैक्टोरियल गुणे दो का फैक्टोरियल। ये दो का फैक्टोरियल क्यों है कि ए दो बार आया है, उसको बैठाने का तरीका होगा दो का फैक्टोरियल, दो जो है उसको सजाने का तरीका। तो इस तरह से 120 आंसर आ गया। लेकिन हमें क्या करना है कि वैसे शब्दों की संख्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्ड व्हेन बी एंड एच देखिए यहां पर लिखा हुआ है बी एंड एच विल नॉट कंटेन टुगेदर। मतलब इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ वर्ड व्हेन बी एंड एच नेवर कैन बी टुगेदर। अगर बी और एच एक साथ नहीं आते हैं, तो क्या करना है, टोटल में से घटा देंगे। टोटल मेरे पास 360 है और बी और एच एक साथ आते हैं तो उसका आंसर 120 है। अगर घटा दें तो बी और एच एक साथ नहीं आएंगे, उससे शब्दों की संख्या हो गया, ये जीरो हो गया, ये चार हो गया, ये आपका दो हो गया, 240 आंसर। ठीक है आंसर, दो नंबर क्वेश्चन का आंसर 240। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है वो देखिए, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बी और एच, यहां तीन नंबर क्वेश्चन उसी में है, हालांकि नंबरिंग नहीं किया, हम अपने से नंबरिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मेनी डीज स्टार्ट विद बी एंड विद टी, वैसे शब्दों की संख्या बताइए जो बी से शुरू हो और टी से खत्म हो, बी से शुरू हो टी से खत्म। लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड when I start with V and end with T, वैसे शब्दों की संख्या बताना है जो शुरू होता है V से, start with number of word when I start
विथ वी एंड एंड विथ टी, वी से शुरू होता है और टी से खत्म होता है। स्टूडेंट हमारे पास जो वर्ड है वो है भारत, हमारे पास क्या है भारत, तो भारत में कह रहे कि बी से शुरू हो टी से खत्म हो, बी से शुरू टी से खत्म, तो जब बी से शुरू होगा टी से खत्म होगा तो चार वो लेटर है जिसमें से दो दो बार आया है, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड व्हेन स्टार्ट विथ वी एंड एंड विथ टी, ठीक है, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड, देखिएगा नंबर ऑफ वर्ड लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड, तो नंबर ऑफ वर्ड क्या हो जाएगा, देखिए जो बी से शुरू हो टी से खत्म हो, बी से शुरू हो जाए टी से खत्म हो जाएगा, तो वैसे चीज का क्या होगा, वैसे चीज का क्या होगा नंबर ऑफ वर्ड, शब्दों की संख्या, तो चार का फैक्टोरियल बटा दो का फैक्टोरियल, चार का फैक्टोरियल चार तीन दो पर जाकर रुक जाता है, ये दो का फैक्टोरियल चार किया बारह आंसर, इस तरह से द एंड लेसन, ये आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया द एंड एक्सरसाइज। अब हम शुरू करने वाले हैं 13.6 अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज, हम शुरू करेंगे 13.6 जिसका नाम है सर्कुलर परमुटेशन, देखिए यहां पर नाम लिखा है सर्कुलर परमुटेशन, यहां शुरू करेंगे सर्कुलर परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशन हम शुरू करेंगे वृत्तीय क्रमचय, इसका नाम है वृत्तीय क्रमचय, वृत्तीय क्रमचय हम शुरू करने जा रहे हैं, वृत्तीय क्रमचय हम शुरू करने जा रहे हैं, थोड़ी देर में आपको अगले वीडियो में मिलेगा एक्सरसाइज 13.6 सर्कुलर परमुटेशन, परमुटेशन सर्कुलर परमुटेशंस आपको मिलेगा, सर्कुलर परमुटेशंस मिलेगा वृत्तीय क्रमचय के बारे में थ्योरी मिलेगा और क्वेश्चन मिलेगा, आज ही इसको खत्म करेंगे, थैंक यू बेटा, चलिए बाय बाय।